मुंबई में खतरे में है रेलवे की सेफ्टी। लोकल ट्रेन में कहीं ओडिशा के बालासोर जैसा हादसा ना हो जाए, इसका डर लगातार सता रहा है। भारतीय रेलवे में बालासोर की घटना के बाद सेफ्टी को लेकर अत्यधिक जागरूकता दिखाई जा रही है। सेफ्टी और पंचुअलिटी को लेकर जोनल रेलवे हर सप्ताह मीटिंग करती है। सेफ्टी के नाम पर हो रही इन बैठकों के बीच अब भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो मुंबई में भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुंबई में लोकल ट्रेन चलाने वाले मोटरमैन को करीब 400 सिग्नल की पोजीशन याद रखनी होती है। ये इसीलिए क्योंकि इनकी पोजीशन एक ही दिशा में ना होकर दाएं या बाएं अलग अलग पोजीशन पर दी गई है। सिग्नल की पोजीशन को बदलने या कोई परिवर्तन करने के लिए रेलवे द्वारा फिलहाल कोई प्रयास होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य रेलवे का सितंबर में एक घटना हुई थी जिसमें मोटरमैन रेड सिग्नल को क्रॉस करते हुए सीएसएमटी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 की ओर बढ़ रहा था। इस तरह सिग्नल जंप होने की घटना को रेलवे में सिग्नल पोस्ट एड डेंटर यानी एसपीएडी के नाम से परिभाषित किया जाता है। लोकल में ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम यानी AWS होने के कारण ट्रेन समय रहते हुए रुक गई। इस घटना की जांच हुई जिसमें पता चला कि मोटरमैन ने प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने से पहले जिस नंबर के सिग्नल को देखना चाहिए था उसके बजाय दूसरा देख लिया। दूसरा सिग्नल रेड नहीं था, इसीलिए लोकल डेंजर मार्क से आगे बढ़ गई। अधिकारी ने बताया कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी लोकल भी रवानगी की तैयारी में थी। यदि कुछ सेकंड का गैप ना होता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस साल जून महीने में हावड़ा में रेल दुर्घटना होने के बाद रेलवे बोर्ड की ओर से 4 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने भारतीय रेलवे में सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए जाए इस पर पूरी फहरिस्त तैयार की है। समिति की रिपोर्ट में मुंबई डिवीजन की स्थिति को भी रेखांकित करते हुए भारतीय रेलवे में सिग्नलिंग पोजीशन को स्पष्ट किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुराने सेक्शन में जब कभी ट्रैक की संख्या बढ़ाई जाती तो अक्सर सिग्नल की पोजीशन बदल दी जाती है। मध्य रेलवे ने मुंबई डिवीजन में थाने स्टेशन पर डमी के तौर पर एक सिग्नल की पोजीशन बदली थी, लेकिन बाद में इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। रेलवे बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हर महीने रेलवे मंत्री के नेतृत्व में सेफ्टी से जुड़ी बैठक हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर इसका असर नहीं हो रहा। अधिकारी ने उदाहरण देते हुए बताया कि मुंबई डिवीजन में ट्रायल के तौर पर एडवांस ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम लगाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस सिस्टम में 3 कैमरों के जरिए मोटरमैन कैबिन और मोटरमैन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। चूक होने पर कैबिन और कंट्रोल रूम दोनों जगह अलर्ट भेजा जा सकता है। लेकिन इस आधुनिक सिस्टम के बजाय रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारी पुराने क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को लगाने पर जोर दे रहे हैं। जानकारी की माने तो इसमें सही सिस्टम लगाने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट किसे देना है इस पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।